गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोन फैक्ट। गाइस आज का जो टॉपिक है आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गाइस आज हम करने वाले ओपन हेयर स्टाइलिंग जो है कि है गाइस पोनी स्टाइलिंग। इस स्टाइलिंग में आपको पता चल गया होगा, इंट्रो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने हाई पोनी ऊपर बांधी हुई थी, देन कर्ल्स भी हमारे सारे ओपन थे। और गाइस आप सभी को पता है कि हेयर स्टाइल करने से पहले हमारे को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होती है गाइस हमारी क्रिम्पिंग। तो गाइस क्रिम्पिंग करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपको बालों में अच्छे से स्ट्रेट ड्राई कर लेना है। अगर किसी के बालों में वेव कम है बिल्कुल ना के बराबर तो आप डायरेक्ट क्रिम्पिंग भी कर सकते हैं, लेकिन गाइस ज़्यादा पैटर्न उनका कर्ल्स है तो आप उनके बालों में पहले अच्छे से स्ट्रेट ड्राई करें देन आप क्रिम्पिंग करें, वरना गाइस क्रिम्पिंग आपकी अच्छे से नहीं होगी और वेव जो बालों में आएगी ना फिर जो चीज़ आप बनाना चाहोगे वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो उसमें आप स्प्रेडिंग करोगे पुलिंग करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो गाइस आप सोच रहे होगे कि हेयर स्टाइलिंग करने से पहले मैं क्रिम्पिंग क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्रिम्पिंग किस तरीके से करनी है। आप देखो दिख रहा होगा कि जिस तरीके से मैं क्रिम्पिंग कर रहा हूँ कितने सेक्शन फाइन लेके कर रहा हूँ, कितने लोग जो है वो बहुत मोटे मोटे सेक्शन लेके करते हैं तो उसमें गाइस कोई फ़ायदा नहीं होता आपका क्रिम्पिंग करने का, वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। मैंने देखी है मेरी जो क्रिम्पिंग जिन जिन बालों पर हो रखी है आपको अच्छे से दिख रही होगी, और गाइस जो क्रिम्पिंग आप करते हो उसको भी आपको रूट से ही करना होता है। अगर आप रूट से नहीं करोगे तो गाइस आपको वॉल्यूम मिलेगा ही नहीं, आपको लेंथ पे वॉल्यूम थोड़ी चाहिए होता है गाइस। लेंथ पे वॉल्यूम के तो हेयर एक्सटेंशन है, रूट्स पर जो हमें वॉल्यूम मिलता है वो हमें क्रिम्पिंग करने से ही मिलता है, और क्रिम्पिंग अगर आपकी रूट्स से होगी तो वो आपको तभी मिलेगा। और गाइस ये देखिए फ्रंट की मैंने क्रिम्पिंग पूरी कर ली है और अब हम करने वाले हैं बैक एरिया पे यानी कि पफ एरिया पे। गाइस पूरे बालों पे हम क्रिम्पिंग नहीं करेंगे क्योंकि गाइस पूरे बालों पे क्रिम्पिंग करने का फ़ायदा भी नहीं है, उन पर हम करने वाले हैं कर्ल्स। तो गाइस हम इसे पफ एरिया पे करेंगे। गाइस क्रिम्पिंग हम मैंने बता रखा है क्रिम्पिंग गाइस हम उन्हीं एरिया पे करते हैं जहाँ हमें कोई टेक्निक देनी होती है या पफ वगैरह बनाना होता है, स्प्रेडिंग पुलिंग तरह की टेक्निक से कुछ क्रिएटिव फ्रंट वेरिएशन बनाना होता है, क्रिम्पिंग गाइस हम उसी जगह करते हैं। गाइस ऑलमोस्ट मैंने फ्रंट की भी क्रिम्पिंग कंप्लीट कर ली है, देन हम करते हैं हेयर स्टाइलिंग। गाइस हम बनाने वाले हैं पहले इनके बालों में एक अच्छी सुंदर सी पोनी हम मिड लेंथ पे बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम जो करेंगे इनके बालों में लगाएंगे हेयर एक्सटेंशन, क्योंकि गाइस इनके बाल काफ़ी ज़्यादा लाइट है और इनको हेयर एक्सटेंशन भी लगानी थी। तो गाइस वीडियो में आपको मैं ये भी दिखा दूंगा कि आप हेयर एक्सटेंशन कैसे लगा सकते हैं। हेयर एक्सटेंशन गाइस जो मैं हेयर स्टाइलिंग वाली कह रहा हूँ आप परमानेंट मत समझिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं उसमें आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कि हेयर एक्सटेंशन कैसे लगाए। देन हम जो मैंने दो पार्ट निकाले हम ऊपर हेयर एक्सटेंशन लगाएंगे जहाँ हमने ईयर से मतलब सेक्शन निकाला हुआ है, उससे पहले हम करेंगे एकदम सॉफ्ट लूज कर्ल्स, क्योंकि गाइस जो हेयर एक्सटेंशन इनकी है उसमें स्पाइरल कर्ल्स नहीं है। हेयर एक्सटेंशन में जिस तरीके के कर्ल्स है उसी तरीके के सेम कर्ल्स आपको क्लाइंट के हेयर पे करने हैं, तभी जाके आपकी जो हेयर एक्सटेंशन है वो मर्ज होगी। अगर हेयर एक्सटेंशन के कर्ल्स लूज है और आपने अपने क्लाइंट के हेयर पे जो कर्ल्स करे हैं वो स्पाइरल कर दिए तो कर्ल्स बहुत ज़्यादा अलग दिखेंगे दोनों के, और हेयर एक्सटेंशन अलग दिखेगी और रियल हेयर अलग दिखेगा। तो आपको इसमें एकदम प्रॉपर मैंने जो हेयर एक्सटेंशन देखी हुई है इनकी कर्ल्स है उनमें एकदम प्रॉपर स्पाइरल नहीं है। सो गाइस तो अब हम करने वाले हैं कर्ल्स। गाइस आपको मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा वीडियो में दिखाए हुए है कि अगर आपको कर्ल्स प्रॉब्लम होती है तो मैंने कर्ल्स उसमें सिखाए हुए भी है, और गाइस बीची वेव्स भी मैंने आपको सिखाई हुई है। अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना गाइस, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं काफ़ी ज़्यादा लाता रहता हूँ। अगर मैं कोई सी भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुँचेगा। तो गाइस हमने सिर्फ जो पार्टिंग करी है, दो डिवाइड कर रखे, ऊपर सेक्शन अलग निकाल रखा है, ऊपर का एरिया नीचे का एरिया अलग निकाल रखा है। नैप एरिया वाला जो है गाइस, इस पर मैं करने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से कस। देन ऊपर भी हम करेंगे, लेकिन ऊपर हम कब करेंगे गाइस, जब हम हेयर एक्सटेंशंस लगाएंगे। ऑलमोस्ट गाइस हमने कर्ल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, और जो लास्ट का जो एक फाइनल जो ये रह रहा है सेक्शन, इसको भी हम अच्छे से कर्ल्स कर लेंगे। और गाइस मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कर्ल्स बता रखे कि इन कर्ल्स और आउट कर्ल्स क्या होते हैं। तो अगर गाइस अगर आपको ये पता है कि ये जो कर्ल्स मैं कर रहा हूँ इन में या आउट में, मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि गाइस मैंने हर वीडियो में आपको बता रखा है कि इन कर्ल्स और आउट कर्ल्स में क्या फ़र्क होता है, वो कैसे दिखते हैं। तो गाइस वीडियो में आपको मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी आज आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ कि आपको खुद बताना है कि ये कर्ल्स इन है या आउट है। देन गाइस हम मैंने ये हेयर स्प्रे कर लिया, क्योंकि यहाँ पर हम लगाने वाले हेयर एक्सटेंशन, तो इधर हम अच्छे से बैक कॉमिंग कर लेंगे, क्योंकि गाइस जो हेयर एक्सटेंशंस की जो पीने होती है, लोक होते हैं, वो इन बालों पे स्टे नहीं कर पाते। तो इस पर हमें अच्छे से क्या होता है गाइस, बैक कॉमिंग करनी होती है, क्योंकि बालों में जो बेस होता है वो थोड़ा हार्ड बन जाता है, देन उसके जो लोक होते हैं वो इस पर स्टे कर जाते हैं। देन हम हेयर एक्सटेंशन को अच्छे से लोक करने के लिए बॉब पिन की भी यूज़ करते हैं, जैसा कि मैं वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। तो गाइस ये देखिए गाइस, ये है हेयर एक्सटेंशंस, इसमें कुछ नहीं गाइस, सिर्फ टिक टैक वाले लॉक होते हैं, वो आपको अच्छे से लगा लेने होते हैं। किस तरीके से जहाँ जब बैक कॉमिंग करिए वहाँ पे आपको सिर्फ फंसा के और कट टिक कर देना है, देन आपके हेयर एक्सटेंशंस लॉक हो जाएगी। गाइस बॉब पिन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें श्योरिटी मिल जाए कि एक्सटेंशन नहीं निकलेगी, क्योंकि गाइस क्या होता है, किसी किसी क्लाइंट के बाल काफ़ी ज़्यादा लाइट होते हैं, क्योंकि गाइस साफ सी बात है, अगर किसी के बाल लाइट है उन्हें ही हेयर एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, और थोड़ी सी जो लेंथ जिन्हें चाहिए उन्हें हेयर एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस क्या होता है कि क्लाइंट हेयर पे बैक कॉमिंग तो हम कितनी भी कर लें, लेकिन उसका जो बेस उतना हार्ड नहीं हो पाता है, और हेयर एक्सटेंशन के लॉक उसमें अच्छे से लॉक नहीं हो पाते हैं। तो गाइस इसलिए हम बॉब पिन की मदद से इसको अच्छे से लॉक कर लेते हैं, ताकि उसके जो लॉक है जो अच्छे से लॉक नहीं हो पाते वो अच्छे से लॉक हो जाए। तो गाइस अब क्या करेंगे गाइस, हम पोनी जिसके ऊपर हम बांधेंगे, जिस सेक्शन पे हम पोनी बांधेंगे उस सेक्शन को हम सेपरेट कर देंगे, अलग रख देंगे। देन हम करने वाले हैं कर्ल्स, क्योंकि गाइस देखिए नैप एरिया पे मैंने कर्ल्स किए, देन मैंने हेयर एक्सटेंशंस लगाई, अब उसके ऊपर वाले एरिया पे भी मैं करने वाला हूँ कर्ल्स। हेयर एक्सटेंशंस हमारी हमेशा बीच में रहेगी, कितने लोग या तो इसको सबसे ऊपर लगा देते हैं, फिर ऊपर से सिर्फ थोड़ा सा पफ का सेक्शन डाल देते हैं, और कितने लोग इसके हेयर एक्सटेंशंस को सबसे नीचे लगा देते हैं। तो गाइस ऐसा गलती आपको नहीं करनी है, अगर आपको अच्छे से दोबारा देखना है तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने हेयर एक्सटेंशंस को लगाया है। तो गाइस जो ऊपर के बचे हुए हेयर है इन पर भी मैं करने वाला हूँ कर्ल्स। और गाइस कर्ल्स भी आपको मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, आपको बताना है कि जो मैं कर्ल्स कर रहा हूँ वो मैं इन में कर रहा हूँ या आउट में कर रहा हूँ, ये आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। और गाइस अगर हेयर एक्सटेंशंस लगाना आपको प्रॉपर इस टॉपिक पे सीखना है कि इसको किस तरीके से लगाते हैं, मतलब प्रॉपर इसी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और हेयर स्टाइलिंग के गाइस मैंने सीरीज शुरू करी है, पार्ट शुरू कर रहे हैं उसकी, क्लास डे वन डे टू, तो मैंने डे वन डाल दिया है गाइस। अगर आपको बेसिक से हेयर स्टाइलिंग सीखनी है तो आप मेरा डे वन जाके देख सकते हैं, और डे टू भी जल्द आने वाला है, और मेकअप की भी क्लासेस स्टार्ट कर दिए, उसका डे थ्री भी हम डालने वाले हैं गाइस। तो गाइस आप जाके उसको वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरीके की वीडियो के लिए। और गाइस ये मैं जो क्राउन एरिया का सेक्शन है उसको थोड़ा मैं उसको छोटा कर रहा हूँ, थोड़ा जो बाल है उनको मैं फ्रंट की तरफ ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि इनका जो फ्रंट वेरिएशन है उस जो हम बनाएंगे उसके लिए हेयर ज़्यादा चाहिए, और हेयर की डेंसिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा कम है। ये गाइस मैं पफ एरिया के लिए छोड़ दूँगा सेक्शन,
और पोनी जो गाइस हमें बनानी है बिल्कुल थोड़े से ही सेक्शन की बनानी है, क्योंकि इनकी पोनी में थोड़ा सा ही इनको वॉल्यूम चाहिए और पीछे से सिर्फ ऐसा लगे कि पोनी स्टाइल है। तो गाइस ये मैंने रबड़ बैंड लगा दिए। गाइस रबड़ बैंड आप सभी को पता है कि आपको डबल यूज़ करनी है हमेशा, और जिसको नहीं पता वो आगे से रबड़ बैंड को डबल ही यूज़ करें। और गाइस ये मैं लगाने वाला हूँ डोनेट्स। गाइस डोनेट्स आपको बड़ा वाला नहीं लगाना, बिल्कुल छोटा लगाया है मैंने, खोल के इसे छोटा किया हुआ है। तो गाइस अगर आपको डोनेट खोल के छोटा करने नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको सिखा दूँगा। देन इसको मैं जो लॉक कर रहा हूँ गाइस वो मैं कर रहा हूँ जूड़ा पिन से। अगर गाइस आपको प्रॉपर तरीके से मतलब आपकी पिनें लूज़ रहती है तो आप इसको जूड़ा पिन से लॉक मत करिएगा, आप उसको बॉब पिन से लॉक करिएगा। अगर जिसको पिन अच्छे से आती है तो गाइस वो डोनेट्स को जूड़ा पिन से ही स्टे कर देता है, मतलब अच्छे से पिन लगाता है कि इस तरीके से कि जो उसे अच्छे से लॉक हो जाए। तो इसलिए मैं इसमें जूड़ा पिन लगा रहा था। अगर आप बिगनर्स हो तो गाइस इसमें बॉब पिन लगाइएगा। और फ्रेंड से गाइस मैंने ये सेक्शन ले लिया है और इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस पर आपको बैक कॉम्बिंग करनी है हल्की हल्की, और देन इसमें हल्का सा वॉल्यूम देना है। पफ आप कह सकते हो, पफ की तरह ही कह सकते हो, लेकिन वॉल्यूम इसमें आपको कम ही देना है। और अच्छे से बैक कॉम्बिंग जब आप करते हो तब की तब आपको हाथ के हाथ स्प्रे करना होता है। देन इसको अच्छे से स्प्रेडिंग करके इसको पीछे से लॉक कर देना है। तो गाइस इसको पहले अच्छे से हम नीट कर लेंगे, देन इसको हम लॉक करेंगे। और गाइस लॉक करने के बाद गाइस लॉक की जो वीडियो है वो मिस हो गई थी, तो पता नहीं इधर उधर हो गई थी। तो गाइस मैंने कुछ नहीं कह रहा ज़्यादा कुछ, उसे बस पोनी जहाँ बांधी थी डोनेट बांधता हूँ उस जगह पर उसे लॉक किया है। और अब गाइस हम फ्रंट पे क्या करने वाले हैं, जिग जग पार्टिंग निकालेंगे। और पार्टिंग भी गाइस हम मतलब जो आईब्रो का जो कॉर्नर होता है उठा हुआ आर्क उधर से उठाएंगे और आगे से राउंड एरिया तो राउंड सर्कल बनाकर एक सेक्शन को छोड़ देंगे। और जो बीच का जो सेक्शन है ये देखिएगा, इसमें बीच वाला मिडल वाला जो ये सेक्शन है इस पर हल्की सी बैक कॉम्बिंग करूँगा। देन ये जो बाल उड़े उड़े से लग रहे हैं उस पर अच्छे से स्प्रे करूँगा। इस सेक्शन को पहले मैं नीट एंड क्लीन करूँगा अच्छे से, और स्प्रे मैं इसलिए कर रहा हूँ गाइस क्योंकि ताकि इनके बाल लाइट अच्छा वॉल्यूम आ जाए, बैक कॉम्बिंग जो करी है उस पर अच्छे से स्टे कर जाए। वो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से नीट करूँगा। देन इसके बाद हम करने वाले इसके ऊपर पुलिंग टेक्निक। तो ये देखिए गाइस किस तरीके से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। ये होल्डिंग टेक्निक भी आपके लिए मैं क्लासेस शुरू करी है उसमें सिखाने वाला हूँ, और पुलिंग टेक्निक भी मैं उसमें ही सिखाऊंगा आपको। अगर आपको भी इस तरीके की पुलिंग टेक्निक सीखनी है, अगर आपको नहीं आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, और वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो मुझे गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस जब मैं ये जो हेयर स्प्रे कर रहा हूँ उसमें आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से जो मैंने पुलिंग की थी, तो स्प्रे करने से उसकी विजिबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो गाइस आपको पहले तो फ्री हैंड पुलिंग खींचनी होती है, देन आपको स्प्रे से उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाना होता है। देन उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करने के बाद उसको करना होता है पिनअप। तो गाइस को मैं पिन करने वाला हूँ। पिनअप भी हमें गाइस बड़ी वाली बॉब पिन यूज़ करनी है गाइस आपको। और ये देखिए गाइस बड़ी वाली बॉब पिन से क्या होता है गाइस, पिनअप जो होता है हमारा अच्छे से लॉक हो जाता है। छोटी वाली पिन में गाइस किसी किसी का लूज रह जाता है, तो आपको क्रॉस में पिन लगानी है हमेशा। और देन आपको ये फेस फ्रेमिंग के लिए थोड़ा सा जो फ्रंट का सेक्शन है वो छोड़ देना है। देन इसको अच्छे ट्विस्ट करते हुए इस तरीके से आपको स्प्रेड करना है, और इधर भी हल्का सा स्प्रेड करूँगा। देन उसके थोड़ा सा स्प्रे करने के बाद इसको नीट एंड क्लीन करूँगा। तो गाइस अगर आपको स्प्रेडिंग टेक्निक भी सीखनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस धीरे धीरे जो मैंने डे शुरू करे तो गाइस मैं उसमें आपको ये सारे जो स्प्रेडिंग पुलिंग टेक्निक है क्लियर करने वाला हूँ, पफ कैसे बनाते हैं मतलब बेसिक टू एडवांस। तो गाइस इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जिसने मेरा डे वन नहीं देखा आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि डे टू या डे थ्री सारे सब उन्हीं को समझ आने वाले हैं जो डे वन से वीडियो को स्टार्ट करेगा। क्योंकि गाइस आप सभी को पता है कि एडवांस सीखने के लिए बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइस देखिए इसमें हमने साइड से लॉक करने के बाद अच्छे से होल्ड करके इसमें पुलिंग खींचनी है।
पुलिंग गाइस आपको ये देखिए किस तरीके से करनी है, आपको बिल्कुल देखिए गाइस मेरे को हल्की हल्की मैंने करी है, उसकी विजिबिलिटी इतनी नहीं आ रही है। और जैसे ही मैं इस पर जो हेयर स्प्रे करूँगा तो इसकी विजिबिलिटी देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो गाइस इसलिए शुरू में हमें हल्की करनी होती है, कितने लोग हैं उसको शुरू से ही पहले से ज़्यादा निकालते हैं, विजिबिलिटी बढ़ाते हैं और वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है, वो किसी किसी की ज़्यादा पुलिंग निकल जाती है, हेयर बाहर आ जाते हैं। ये दिक्कत अगर आपको आती है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, मैं गाइस कोशिश करूँगा कि उसको जल्द से जल्द आपकी जो ये प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की। और जो फ्रंट की जो मैंने गाइस राउंड सर्कल सेक्शन छोड़ा था उस पर हम गाइस थोड़ा सा स्प्रेडिंग करेंगे, अपर स्प्रेडिंग करेंगे, ऊपर की साइड करेंगे और अच्छे से फ्रंट को जो कवर करें इस तरीके का कुछ अच्छा सा हम फॉल देंगे। तो गाइस ये देखिए इस पर आप होल्ड करने के लिए वो बैम्बू स्टिक लगा सकते हैं। अगर आप बैम्बू स्टिक नहीं है तो गाइस मैंने बैम्बू स्टिक इधर उधर मिस हो गई थी, तो गाइस मैंने जूड़ा पिन को अच्छे से खोल कर पूरा वो से लॉक किया है। अब हम इसमें जो फॉल देंगे वो ऐसा देना है कि वो फेस को अच्छे से फ्रेम करे। और देन गाइस भी आपको दिख रहा होगा कितना पतला सेक्शन है, बिल्कुल फाइन सेक्शन है। तो इसमें गाइस मैं बॉब नहीं लगाने वाला, ना जूड़ा लगाने वाला, इसमें मैं लगाने वाला इनविजिबल पिन जो बहुत पतली होती है, वो इतने फाइन सेक्शन को अच्छे से स्टे करा देती है। स्प्रे गाइस में आपको अच्छे से करना है क्योंकि फाइन सेक्शन है, स्प्रे से ही होल्ड हो पाएगा। और जब ये होल्ड हो गया तो बिल्कुल भी नीचे गिरने वाला नहीं होता, क्योंकि जितना फाइन सेक्शन होगा उतना स्प्रे से अच्छे से होल्ड हो जाता है। तो गाइस ये देखिए इसको लॉक करने से पहले मैं प्रॉपर अच्छे से नीट एंड क्लीन करूँगा, देन इसको मैं लॉक करूँगा। वो उस मिरर में देख के आपको देखना है कि क्या है आपकी हेयर स्टाइलिंग प्रॉपर फ्रेमिंग में आ रही है या नहीं आ रही है। और इसको करने वाला होगा इसमें लॉक, और लॉक भी हमारा ये अच्छे से हो गया है। गाइस ऑलमोस्ट हमारी जो हेयर स्टाइलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और जो ये पोनी के जो मैंने यहाँ पोनी बांधी थी उस सेक्शन पे गाइस हमें हल्की हल्की बैक कॉमिंग कर लेनी है, बिल्कुल लिटल से हल्की सी बैक कॉमिंग करनी है और देन इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है। ये देखिए किस तरीके से मैं पूरे हेयर को स्प्रेड कर रहा हूँ, जिससे हमारा जो डोनेट्स है वो भी कवर हो जाएगा और पीछे से जो लुक आएगी वो गाइस हमारी आएगी पोनी स्टाइल में। और गाइस हम लगा लेंगे हेयर एक्सेसरीज, हेयर एक्सेसरीज को गाइस मैं जूड़ा पिन से लॉक कर रहा हूँ और आप बॉब पिन से भी लॉक कर सकते हैं गाइस इसको। हेयर एक्सेसरीज लगाने के बाद मैं इसमें एक दो जगह जो है गाइस इसको अच्छे से लॉक करने के लिए इनविजुअल पिन की मदद से इसको लॉक कर रहा हूँ। ये देखिए इनविजुअल पिन काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, अच्छे से लॉक हो जाती है। और जो पोनी के जो गाइस हेयर बचे इन पे मैं गाइस कर्ल्स करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट गाइस हमारी जो हेयर स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। और गाइस आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे सलून से रिलेटेड, कोई ऐसी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गाइस वो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने विजिटिंग कार्ड दिया हुआ है, उस पर हमारा एड्रेस और नंबर दोनों चीज़ मेंशन है। तो आपको हमारे सलून से रिलेटेड कैसी भी इंक्वायरी चाहिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस हमारे सलून का जो एड्रेस है कार्ड पे मेंशन है, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ। हमारा जो सलून का एड्रेस है वो रोहिणी सेक्टर 17 मेन मार्केट राकेश मेकओवर के नाम से गाइस ये न्यू दिल्ली में है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस जो पोनी के जो हेयर बचे थे उस पर हमने ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर लिए है कर्ल्स, बस ज़्यादा से ज़्यादा एक दो सेक्शन रह रहे हैं, तो गाइस ये भी हम अच्छे से कर्ल्स कर लेंगे। कर्ल्स पोनी वाले आपको ज़्यादा मोटे मोटे इस सेक्शन लेके नहीं करने हैं, क्योंकि गाइस पे जो पोनी वाले होते हैं पोनी मतलब ऊपर से नीचे मतलब वेट रहता है, लटकती है पोनी, तो उसके कर्ल्स जल्दी लूज होते हैं। तो आपको फाइन फाइन सेक्शन लेके नॉर्मली कर्ल्स करने हैं, लेकिन ज़्यादा आपको स्पायरल भी नहीं करने, ताकि पोनी अलग दिखे और आपने जो हेयर एक्सटेंशंस लगा रखी है वो अलग दिखे। और गाइस जो इनकी हेयर एक्सटेंशंस है वो हमने अभी शोल्डर पर कर रखी है, ताकि जो हमारे पोनी के कर्ल्स और हेयर एक्सटेंशंस के कर्ल्स मर्ज ना हो सके। तो गाइस ये देखिए ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हमने कर्ल्स। और गाइस कर्ल्स पर आपको स्प्रे ज़रूर करना है, कमेंट में कितने लोग मेरे से पूछते हैं कि आप कौन सा स्प्रे यूज़ कर रहे हो। गाइस ये टाफ्ट का 5 नंबर मैं स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ। और जो पोनी के ऊपर गाइस हल्की हल्की पुलिंग करूँगा, लिटल लाइट पुलिंग करूँगा, एकदम
ज़्यादा विजिबिलिटी भी नहीं चाहिए गाइस। ये देखिए हेयर एक्सटेंशन की मैंने अब पीछे कर ली है जो शोल्डर पे करी हुई थी। गाइस ये हेयर स्टाइलिंग ये देखिए गाइस पूरी कंप्लीट हो चुकी है, एकदम पोनी स्टाइल है। और आपको किस कैसी लगी रही है गाइस की ये हेयर स्टाइलिंग मैंने कैसी बनाई है कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो आगे जो मैंने जूड़ा पिन जो बैम्बू स्टिक बना के लगाई थी उसे हम हटाने वाले हैं। और गाइस कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये हेयर स्टाइलिंग कैसी लगी।